आजरबैजान को आर्मेनिया के खिलाफ बढ़ावी मिल गई, सदर का अहम ऐलान। आजरबैजान के सदर इल्हाम ने ऐलान किया है कि हमारी अफवाज ने मजीद 8 देहात आर्मेनी कब्जे से आजाद करवा लिए हैं। काराबाग आजरबैजान का है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर आजरबैजान के सदर इल्हाम ने बताया कि मुल्की फौज ने मजीद 8 देहात काबिज फौज से आजाद करा लिए। उन्होंने ट्वीट पर नारा लिखा कि आजरबैजान अफवाज जिंदाबाद, काराबाग आजरबैजान का है। सदर का कहना था कि तहसील फजूली के कारा दायली खातून बोलाक और तहसील होजाविंदी के बोलोतान मुल्क जानली केमरतोक दीके ताई आसर देहात को आर्मेनी कब्जे से आजाद करवा लिया गया है। ख्याल रहे कि वस्ती एशियाई ममालिक आजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान गुज़श्ता कुछ दिनों से निगोर्नो काराबाग रीजन के तनाज़े पर खूनी झड़पें जारी हैं। दोनों ममालिक की जानिब से मुतनाज़ा इलाके पर कब्जा करने के लिए भारी गोलाबारी की जा रही है। चंद रोज कबल आजरबैजान की अफवाज की जानिब से निगोर्नो काराबाग रीजन के मजीद 7 इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया था, मगर बाद अज़ां आजरबैजान के सदर बाकायदा शहर जिब्राइल पर कंट्रोल हासिल करने का भी ऐलान कर चुके। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों तुर्क रेडियो और टेलीविजन TRT को इंटरव्यू देते हुए सदर इल्हाम अलीयेव का कहना था कि तुर्की आजरबैजान के साथ खड़ा है। मुल्की फौज ने तुर्की के आला पाए के ड्रोन इस्तेमाल किए जिससे हमें फायदा पहुंचा और दुश्मन को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि आजरबैजान ने कई इलाकों को वागजार कर लिया है। अगर आर्मेनिया मकबूजा इलाके वापस हमें दे दे तो इलाके में अमन कायम हो सकता है। जंग बंदी के लिए इन्हें बैनुल अक़वामी गारंटी की ज़रूरत है और आर्मेनिया को इन इलाकों से दस्तबरदार होने की तारीख वज़ा करनी होगी।